लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एयरपोर्ट नामकरण की ये सारी कारस्थानी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर सिडको ने की है, जबकि 2008 से लेकर 2012, 2016, 2018 और 2019 में तमाम डिमांड्स इसको लेकर हुई है कि इस एयरपोर्ट पर दीवा पटेल साहब का नाम दिया जाए। यहां तक कि विधानसभा और संसद में भी इसको लेकर मुद्दा उठाया गया है, इस पर भी प्रश्न हुए हैं, इस पर भी डिमांड हुई है। इसके बावजूद भी नगर विकास मंत्रालय और शिवसेना की सरकार ने ये नाम, एकल नाम प्रस्तावित किया। आप इसे मानते हैं कि ये बड़ी राजनीतिक है, बड़ी कूटनीति है इसके पीछे? ये नगर विकास मंत्री जो आप कह रहे हैं, हमें हमारे ध्यान में ऐसा है कि पहले का ही रिक्शा चालक था, खुद रिक्शा चलाता था और रिक्शा चालक आज हजारों करोड़ का मालिक बन गया। आप सोच लीजिए कि कोई रिक्शा चालक अगर हजारों करोड़ का मालिक बनता है तो हमारे दिल में दुखने की कोई जरूरत नहीं, मगर हजारों करोड़ का यह पैसा कैसे कमाया? क्या गवर्नमेंट को टैक्स अदा किया है क्या? नहीं। और क्यों ईडी इनके पीछे नहीं लग रही? एकनाथ शिंदे के, उनके एकनाथ शिंदे जैसा आदमी दीवा पाटिल साहब का नाम इतने 2008 से चल रहा है, ये एकनाथ शिंदे के हाथ में हम हमारे और दूसरे सहयोगी है हमारे पनोलनगर आगरी समाज मंडल के, उनको हमने एक विज्ञापन दिया था कि ये एयरपोर्ट पे 2015 में सिद्धगढ़ में जब जो हुतात्मा का प्रोग्राम होता है उसमें हम दिया था और उनको कहा था कि भाई ये एयरपोर्ट के लिए दीवा पटेल साहब का नाम होना चाहिए, तो बोले अच्छी अच्छी मूवमेंट है, अब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था वो टाइम पे। और ये एकनाथ शिंदे, अभी कोरोना का सीजन है, कोरोना के सीजन में हर ये महामारी में हर एक जन त्रस्त है, हर एक जन अपना बहुत कुछ खोया है इसमें, और ये अप्रैल के इसमें वो सिडको में प्रेशर करके एमडी के ऊपर ये रिजोल्यूशन लाता है कि ये एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे इनका नाम आना चाहिए। अबे ऐसा देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे तो बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा देश अपना उनका रिस्पेक्ट करते हैं, महाराष्ट्र तो डेफिनेट करता है, मराठी मराठी मन मन में बाला साहब का नाम है, मगर बाला साहब हमारे दैवत है, हम ऐसे मानते हैं कि बाला साहब हमारे दैवत है, मराठी अस्मिता है, मगर दीवा पाटिल साहब हमारे कुलदैवत है। दैवत जो देव मंदिर में रहता है, हम हफ्ते में महीने में या साल में जाके पूजा करते हैं, लेकिन कुल देवत को हमेशा नमन करके हम घर से बाहर निकलते हैं। तो और एक ऐसी एक ही जगह है जहाँ बाला साहब ठाकरे का बाला दीवा पाटिल साहब का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। बाला साहब ठाकरे के नाम पे कोई भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में या देश में कहा भी रख सकते हैं। और शिवसेना जिसका वोट जो है ना, वोट बैंक है, ये हमारे आगरी कोली कम्युनिटी है, समर्थक हमारी कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के वजह से उनको इतना एक कोंकण में जो उनके आमदार खासदार जो भी ब्लॉक प्रतिनिधि हमारे वजह से है, और हमारे हमारी कम्युनिटी को नाराज करके मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ये नहीं कर सकते, शायद वो समझ जाएंगे। इन कल का जो ये हो गया, सिडको का घेराव हो गया, और सिडको घेराव में सरकार ने बहुत सारी कोशिश की, उसके बावजूद देर करने में आ गया, तो इसलिए वो शायद वो समझ में आ जाएंगे और वो खुद तय करेंगे कि नहीं, एयरपोर्ट को दीवा पटेल साहब का ही नाम देना चाहिए, ऐसा तय करेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे।